ओके सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और मेरे एक नए ब्लॉग में। सो वैसे तो गाइज आप लोग ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। सो गाइज हुआ ऐसा कि मेरे घर में आपको पता ही है लाइक वाइट वॉश का काम चल रहा है और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर। तो उसमें क्या हुआ कि किचन में हमारा बिखरा पड़ा है, तो मॉम ने सोचा कि थोड़ा सा मैं लाइक टाइम है और थोड़ा अभी लाइक थोड़ा सा पेंट वेंट वगैरह भी सूख गया है तो मैं मतलब किचन थोड़ा सा यू नो मिला लेती हूँ ऐसा सोचा। ओके सो गाइस ये देखिए मेरा अभी पूरा किचन ये बिखरा पड़ा है, ठीक है मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। तो मॉम ने क्या बोला कि मॉम ने सोचा कि ये यहाँ पे मॉम ने चप्पल खोला और यहाँ पे चढ़ के सो गाइस ये पेंट वगैरह है, ये जो ये पेंट सूख गया था तो मॉम ने सोचा कि थोड़ा जो सामान है इधर ऊपर नीचे इधर उधर तो इसको थोड़ा सामान मतलब रख देती हूँ सोचा। तो मॉम यहाँ पे चढ़ी और यहाँ पे पैर फिसल के मॉम नीचे गिर गई। सो गाइज वहाँ से मॉम नीचे गिर गई और मॉम के हाथ में लाइक मॉम की हड्डी थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई। अभी मैं आपको एक सिर्फ दिखाऊंगा। तो मॉम अभी मेरी रेस्ट कर रही है। ना ना बसो बसो कोई नहीं, हाँ ठीक सर। सो गाइज ये वाला हाथ मॉम का यहाँ से थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया और अभी तो कच्चा प्लास्टर है। और मॉम फिर मैंने बोला कि और कल बुलाया है वैसे मॉम को और मॉम की इधर ये गाल में भी थोड़ा सा चोट लग गया है। सो गाइस मैं तो बाथरूम में था और लाइक अभी आप देख सकते हैं मॉम है ना तो माती वो देखो मॉम का ये वाला ये थोड़ा सा सूजा है। सो गाइस मैं तो बाथरूम में था और मॉम अचानक से गिरी और मॉम ने बोला संजय मैं मतलब मॉम गिरी गयो लाइक मैं गिर गई। मैंने सोचा मॉम बोल रही फ़ोन गिर गई तो मैंने बोला उठा लो कोई नहीं। बाद में मॉम फ़ोन नहीं मैं बोला। तो गाइस मैं भाग भाग के आया और मॉम को उठाया और कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल निकल गया। और मेरे चाचा और चाची वैसे मेरे साथ थे, चाची मॉम के साथ ही रहे हमेशा, मॉम को छोड़ा नहीं उन्होंने। तो अंदर जाना एक्सरे वगैरह करना इधर उधर वो सब कुछ चाची साथ थी मॉम के और मैं और चाचा बाहर वेट कर रहे थे। सो गाइस ये देखिए फिर ये कच्चा वाला प्लास्टर लगाया है अभी हाथ में और लाइक थोड़ा तकलीफ हो रहा था मॉम को। तो फिर मॉम को बाहर मतलब धूप में बिठाया, रेस्ट करवाया और खाना भी खिलाया। सो गाइस अभी मॉम रेस्ट करे तो वही मैं सोचा था कि आज से लाइक डेली व्लॉग करूँगा लेकिन फिर वो भी लाइक कभी क्या गाइज हमेशा हो ही जा रहा है गाइज पता नहीं मतलब मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ और प्लस घर में भी इतना सारा काम पड़ा है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मॉम के लिए कच्चा पनीर और अंडे बॉयल करके खिलाने हैं वो वगैरह वगैरह। सो गाइज अभी मैं जाता हूँ दुकान और पनीर लेके आता हूँ। तो चलो और कुछ लाने हैं मॉम और दूध वगैरह सब कुछ है, बस दूध में हल्दी डाल के पिला रहा हूँ। और गाइज ये दवाई भी है गाइज इतने सारे। तो गाइज ये देखिए तो ये वाला जो हड्डी था वो लाइक पूरा साइड में होकर डिसलोकेट हो गया था। मेरी जो ये हड्डी को लाइक इस वाले हड्डी को वापस उसके जगह में डाल दिया डॉक्टर ने। ओके गाइज तो मैं चलता हूँ दुकान और मॉम के लिए लेके आता हूँ थोड़ा सा पनीर। टाइसन गाइज ये है मेरा टाइसन और गाइज ये है मेरी रानी। सो गाइज पनीर ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ घर। वैसे मेरी गाड़ी भी बहुत गंदी हो रही है गाइज तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी भी धुलवा ही लूँ मेरी भाई ये डिक्की के अंदर भी। ओके वाह तो गाड़ी मेरी एकदम चमक गई है गाइज। गाइज मैं घर आ गया और मम्मी के लिए पनीर भी लेके आया हूँ, ठीक है मम पनीर खाओ। और मेरी भाभी भी आई है यहाँ पे बड़ी भाभी और ये छोटी भाभी हर लोग दिन चौ मम लो पनीर खाओ। क्या बेटा मेरे बाल बना पहले मेरे बाल खोलो। बाल खुल गए प्लचर निकल गया था दोबारा रुको मलाया गाइस अब मम का बाल बनाता हूँ मैं। वेट इधर इधर की तरफ से यो एता बटी ले रहे तो बड़ा कोई क्लोज आई कोई बात ठीक सूजन छ थोड़ा सूजन है इस बात लेकिन हो जाए कोई नहीं पनीर खाओ पनीर। सो मॉम पनीर टेस्टी छ नहीं पनीर टेस्टी है ना।
गाइस पनीर का डॉक्टर ने बोला था पनीर खाने के लिए क्योंकि उससे शायद हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा ठंड है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मॉम के लिए थोड़ा आग जला देता हूँ और आग जला के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है मॉम, आग जला दें। जो ये है कोयला। सो गाइस मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पहले ऐसे कोयला जला दिया, फिर उसके जलाने के बाद ये जो दूसरे वाले कोयले हैं इनको मैं इसके अंदर डाल के फिर बाद में 10 मिनट लगेंगे और फिर ये सारे जल जाएंगे और फिर मॉम के रूम में रख दूंगा इसको। ओके सो गाइस मुझे लगता है ये आग जल चुका है, काफ़ी अंदर ले जाने लायक हो चुका है, तो चलो अब इसको अंदर लेके चलते हैं। सो रख दिया मॉम, आगे रख दिया भाई। ठीक छ, अरे आप ठीक छ? हाँ दुखी सा ले ली दर्द हो रहा है। ओके सो गाइस आग भी मैं अंदर लेके आ चुका हूँ मॉम के लिए और थोड़ा रूम भी थोड़ा ठंड गर्म गर्म हो जाएगा। सो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, और आगे जो भी होगा मैं उसका अपडेट आपको देता रहूँगा अपने वीडियो के थ्रू। अभी तो बस आप जितने व्यूअर्स हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ अपने मॉम का ख्याल रखने के लिए। कल सुबह दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाना है तो बस मैं लेके जाऊँगा और जो भी होता है आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा। और गाइज मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो प्लीज़ प्रे कीजिए कि मॉम जल्दी ठीक हो जाए और मॉम का हाथ अच्छे से जुड़ जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय 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 मॉम बाय।